हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रीतम सर और आप हुए वीजीडी ऑनलाइन इस चैनल पर। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इस वीडियो के बाद जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको क्लिक कीजिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो न्यू वीडियो आने वाले है वो जल्द प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, सेवंथ स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे हैं और उसको आज कंटिन्यू करेंगे। हम आज उस लेसन का नाम है इंडिया बिफोर द शिवाजी महाराज। तो उस लेसन का हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज को आज कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक है सल्तनत इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में किन राजाओं की सरकारी थी उस जमाने में। सो इन से 1175 CE से लेकर 1178 CE तक सुल्तान मोहम्मद घुरी, जो घुर अफगानिस्तान से इंडिया में उसने क्या किया, तो आक्रमण किया, इंडिया पर उसने अटैक किया मोहम्मद घुरी ने। ये अपॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द कॉन्कर टेरिटरीज इन द इंडिया। उसने क्या किया, उसने जब अटैक किया तो इंडिया को उसने कैप्चर किया और बाद में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, अपना जो टेरिटरी है, अपना जो एरिया है जो उसने कैप्चर किया था, उसका गवर्नेंस उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पास सौंप दिया। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 ऐबक बिगेन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज रूल। बाद में क्या हुआ, 1206 जो साल था उसमें घुरी, मोहम्मद घुरी का डेथ हुआ। तो घुरी के जाने के बाद ऐबक जो था वो क्या बन गया, ऐबक ने उस एरिया को, जो इंडिया का जो एरिया था उसने अपने रूल के अंदर उसको ले लिया। ऐबक हु वॉज इनिशियली अ स्लेव बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, ही डाइड इन 1210। ऐबक जो शुरू में क्या था, तो एक स्लेव था, मतलब एक नौकर था, किसका, घुरी का। वो बाद में क्या बन गया, दिल्ली का राजा बन गया और उसका जो डेथ था वो 1210 सेंचुरी में हुआ। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान, ही मेड मेनी इनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेकुलियर टेम्परमेंट। इब्राहिम लोदी क्या बन गया था, तो लास्ट सुल्तान था दिल्ली का, उसने बहुत सारे अपने एनिमीज, एनिमीज मतलब बहुत सारे अपने दुश्मन बनाए थे, क्योंकि वो थोड़ा मतलब उसके बाद उसने दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर। तो दौलत खान लोदी जो गवर्नर ऑफ पंजाब का था, उसने क्या किया, मतलब वो दौलत खान लोदी जो गवर्नर ऑफ पंजाब का था, उसने बाबर को बुलाया। क्यों बाबर को बुलाया, तो जो दिल्ली का ऐबक जो राजा था उसको मारने के लिए। सो द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट द रूलर ऑफ इब्राहिम लोदी। सो बाबर कौन था, तो काबुल जो एरिया है उसका वो राजा था और उसको फाइट करने के लिए उसने बुलाया। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल एंड थस द सल्तनत केम टू एन एंड। तो बाबर जो राजा था उसने लोदी को मार दिया और वो क्या हुआ, तो वो राजा बन गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका द किंगडम ऑफ विजयनगर, मतलब विजयनगर का राज्य। During the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi. तो central power में, जब central में दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद घुरी, मोहम्मद तुगलक के पास जब राज्य था, तब south में बहुत सारे changes हो गए। From these revolts arose the फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड ब्राह्मणी किंगडम। तो उसी जमाने में विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम का क्या हुआ, उदय हुआ, वो दो राज्य बन गए। द ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वेयर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो हरिहर और बुक्का नाम के जो ब्रदर थे, भाई थे, वो साउथ इंडिया में राज्य कर रहे थे, दिल्ली के अंडर वो काम कर रहे थे, दिल्ली का राजा था उसके अंदर वो दो भाई काम कर रहे थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीग ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन द 1336। तो जब दिल्ली में तुगलक
का जब राज्य स्टेबल नहीं था तो उसका फायदा लेकर क्या किया, उन्होंने विजयनगर नाम का एक राज्य साउथ में इस्टेब्लिश किया 1336 CE में। हम्पी इन टुडे द कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम। तो विजयनगर का जो कैपिटल था वो कौन था, हम्पी नाम का सिटी था, वो अभी कर्नाटक में है। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, तो विजयनगर का पहला राजा हरिहर था। हरिहर वॉज द सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का, हरिहर के बाद बुक्का उसका राजा बन गया उस प्रांत का विजयनगर का। बुक्का बॉर्ड द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल, बुक्का ने रामेश्वर तक अपना राज्य फैलाया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है कृष्ण देवराय, इस राजा के बारे में आप पढ़ेंगे हम। कृष्ण देवराय असेंड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE। तो कृष्ण देवराय ने अपना जो पत्थर विजयनगर में, विजयनगर उसने कैप्चर किया 1509 में। ये कणकड़, विजयवाड़ा एंड राज महेंद्री एंड एनेक्स द रीजन टू हिज किंगडम। उसने क्या किया, अपने राज्य को विजयवाड़ा और राज महेंद्री जैसे राज्य को जोड़ दिया। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द सुल्तान हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को भी उसने क्या किया, हरा दिया, और मोहम्मद शाह के आर्मी को भी उसने हरा दिया। ड्यूरिंग द कृष्ण देव राय रिंग द किंगडम विजयनगर एक्सटेंड द कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द रायचर दोब इन द नॉर्थ अप टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो कृष्ण देव राय ने अपना जो एरिया था, अपना किंगडम था, वो विजयनगर जो था उसको ना कटक से लेकर गोवा तक और रायचूर से लेकर नॉर्थ इंडिया ओशन तक, इंडियन ओशन तक फैलाया था। कृष्ण देव राय ही डाइड इन 1530 CE, 1530 में उसका मृत्यु हो गया। कृष्ण देव राय वॉज अ स्कॉलर, कृष्ण देव राय बहुत स्कॉलर पर्सन था, हुशार था। ही रोट अमुक्त मल्याड़ा तेलुगु कंपेडियम ऑन पॉलिटी, उसने पॉलिटिक्स पर अमुक्त मल्याला नाम का बुक लिखा है। द हजर राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वेल बिल्ट इन विजय नगर डूरिंग हिज रिक, उसके पीरियड में, उसी के जमाने में हजर राम का जो टेम्पल है और विट्ठल टेम्पल को इस्टेब्लिश किया गया, बिल्ड किया गया। द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेथ ऑफ कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय के मृत्यु के बाद विजयनगर जो किंगडम था, राज्य था, उसको डिक्लाइन होने लगा, उसका ह्रास होने लगा, उसका लॉस होने लगा। इन 1565 CE से लेकर एट तालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरित शाही ऑन वन साइड एंड विजय नगर ऑन द अदर साइड। मतलब वहां पे कर्नाटका में तालीकट में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें अदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरित शाही, ये चारों सत्ताएं एक साथ एक साइड में खड़ी थी और उसके अपोजिट साइड में विजयनगर का राजा खड़ा था। विजयनगर वॉज डिफिटेड, विजयनगर हार गया। एंड देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड, और उसके बाद क्या हुआ, विजयनगर जो राज्य था वो लॉस होने लगा, उसका जो महत्व था वो कम होने लगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपके लिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चन और आंसर दिए गए, उसको याद कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो आवडली असेल तर जरूर लाईक करा आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली जे रेड कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे ते जरूर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं अपडेट फास्ट मिळेल। थँक्यू।